28 अप्रैल को सिनेमाघरों में दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी। एक थी अखिल अखिनी की एजेंट मूवी और दूसरी थी पोनियन सेल्वन 2। पोनियन सेल्वन 2 का फर्स्ट पार्ट पोनियन सेल्वन 1 2022 के सितंबर में रिलीज हुआ था। 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी रीमेक होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तबाही तोड़ कलेक्शन कर रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजेंट एंड पोनियन सेल्वन 2 ने पहले 3 दिनों में इंडिया से कितने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिए, इस तरह इन दोनों मूवी ने पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिए, और किसी का भाई किसी की जान मूवी ने पहले 10 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें एजेंट मूवी की तो ये मूवी सुरेंद्र रेड्डी की डायरेक्शन में बनी थी, जिसमें अखिल अखिनी लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस मूवी ने अपने डे 1 पे इंडिया से 6 करोड़ और डे 2 पे इसने इंडिया से 1.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह एजेंट मूवी ने पहले 2 दिनों में इंडिया से 7 करोड़ 60 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह एजेंट मूवी ने पहले 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ 60 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस तरह एजेंट मूवी अपनी डे 3 पे इंडिया से भी 1.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। इस तरह एजेंट मूवी ने पहले 3 दिनों में इंडिया से 9 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और इस तरह एजेंट मूवी ने पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 13 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिप हो रही है, ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई खास कमाल नहीं कर पा रही। अगर बात करें पोनियन सेल्वन 2 की तो पोनियन सेल्वन 2 ने अपने डे 1 पे इंडिया से 24 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह पोनियन सेल्वन 2 ने डे 1 के दिन वर्ल्ड वाइड 63 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। भाई इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छी जा रही है। पोनियन सेल्वन 1 और पोनियन सेल्वन 2 दोनों का बजट 500 करोड़ है और पोनियन सेल्वन 1 ने 464 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। पोनियन सेल्वन 2 ने अपने डे 2 पे इंडिया से 26 करोड़ 20 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह पोनियन सेल्वन 2 ने पहले 2 दिनों में इंडिया से 50 करोड़ 20 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस तरह पोनियन सेल्वन 2 ने पहले 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 111 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। मतलब इस मूवी ने पहले 2 दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर शानदार कमाई कर रही है। पोनियन सेल्वन 2 ने अपने डे 3 के दिन इंडिया से 26 करोड़ 28 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह पोनियन सेल्वन 2 ने पहले 3 दिनों में इंडिया से 78 करोड़ 20 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस तरह पोनियन सेल्वन 2 ने पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तबाही तोड़ कलेक्शन कर रही है। मूवी ने पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। बात करें किसी का भाई किसी की जान मूवी की, इस तरह किसी का भाई किसी की जान मूवी ने अपने डे 10 पे 4 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। इस तरह किसी का भाई किसी की जान मूवी ने पहले 10 दिनों में इंडिया से 102 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस तरह किसी का भाई किसी की जान मूवी ने पहले 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 166 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ और इस मूवी ने अभी तक 166 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। बाकी आप लोग की क्या राय है इन तीनों मूवीज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।